इस औरत को अपना लड़का दिखता है जो कि 9 साल पहले मर चुका था। वो हॉर्न बजा के उसको उसकी ओर देखने पे भी मजबूर कर देती है। उसके गुमराले बाल और उसका मुंह बिल्कुल उसके लड़के जैसा ही था। वो औरत ये सब देखकर शांत पड़ जाती है। बिना सोचे समझे वो उसका पीछा करते हुए उस स्कूल बस में चढ़ जाती है और तभी वो जाके एक सीट पर बैठ जाती है। वो पूरे टाइम उसी को देखती रहती है। उसके मुंह पे जो चोट का निशान था वो भी सेम था। वो उसका स्कूल तक पीछा करती है। वो बहुत ही शांति से रहती है और उसे अब ये स्कूल की लोकेशन याद आने लगती है। उसे उसका एक्सिस बैंक भी मिलता है और उसे सारी चीजों के बारे में बता देती है, पर वो उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता और वो लड़ाई करने लग जाता है। लिसा को एक मानसिक बीमारी हो गई थी जब से उसका लड़का मरा था, तभी उसके एक्सिस बैंक की वाइफ उसे लिसा से बातचीत न करने की सलाह देती है। तभी लिसा को ये सब सच ही लग रहा था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि उसने अपने लड़के को देखा था जिसे कि 9 साल पहले किडनैप कर लिया गया।